हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईटी सीरीज ट्यूटर चैनल। अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे डाटा कम्युनिकेशन और कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम की। तो आइए अपने लेक्चर का आगाज करते हैं। डाटा को इलेक्ट्रॉनिकली एक जगह से दूसरी जगह भेजने के अमल को डाटा कम्युनिकेशन कहते हैं। डाटा को मुख्तलिफ ज़राए से मुंतकिल किया जा सकता है। डाटा की एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होने के अमल के दौरान जो कंपोनेंट्स या अज्जा इस्तेमाल होते हैं उन्हें कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन कहते हैं। डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले कंपोनेंट्स दर्ज ज़ेल हैं: मैसेज, सेंडर, रिसीवर, ट्रांसमिशन मीडिया और प्रोटोकॉल। आइए इनमें से हर एक को तफसील से समझते हैं। मैसेज से मुराद वो डाटा, इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शंस हैं जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजना मकसूद होता है। मैसेज के बाद आइए अब बात करते हैं सेंडर की। सेंडर से मुराद वो डिवाइस है जहां से मैसेज भेजा जाता है। सेंडर को सोर्स या ट्रांसमीटर भी कहते हैं। एक कंप्यूटर या मोबाइल फोन सेंडर हो सकता है। आइए अब बात करते हैं रिसीवर की। रिसीवर से मुराद वो डिवाइस है जो सेंडर की तरफ से भेजे गए मैसेज को वसूल करती है। रिसीवर को सिंक भी कहा जाता है। सेंडर की तरफ से भेजे गए मैसेज को रिसीवर सिर्फ उसी सूरत वसूल कर सकता है अगर रिसीवर में वो मैसेज वसूल करने की सलाहियत मौजूद होगी। एक कंप्यूटर या मोबाइल फोन रिसीवर हो सकता है। अब बात करते हैं ट्रांसमिशन मीडिया की। ट्रांसमिशन मीडिया से मुराद वो रास्ता है जो सेंडर और रिसीवर को एक दूसरे के साथ मुंसलिक करता है। इसी रास्ते को इस्तेमाल करते हुए मैसेज सेंडर से रिसीवर तक पहुंचता है। ट्रांसमिशन मीडियम को कम्युनिकेशन चैनल भी कहते हैं। ये ट्रांसमिशन मीडियम फिजिकल भी हो सकता है और नॉन फिजिकल भी। फिजिकल ट्रांसमिशन मीडियम में ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक शामिल हैं, जबकि नॉन फिजिकल या वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियम में रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, सैटेलाइट और इंफ्रारेड वगैरह शामिल हैं। और आइए अब बात करते हैं प्रोटोकॉल की। प्रोटोकॉल से मुराद असूलों का वो मजमूआ है जिनका इस्तेमाल करके डाटा एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक मुंतकिल होता है। प्रोटोकॉल दर हकीकत सेंडर और रिसीवर के दरमियान वो मुआहदा है जिसकी पासदारी करते हुए सेंडर डाटा भेजता और रिसीवर डाटा वसूल करता है। प्रोटोकॉल के बगैर डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकती। मिसाल के तौर पर डाटा किस तरह भेजा जाएगा, डाटा किस तरह ट्रांसमिशन मीडिया पर ट्रैवल करेगा, डाटा की मुंतकली की तस्दीक किस तरह होगी, डाटा की मुंतकली के दौरान पैदा होने वाले एरर्स को किस तरह हैंडल किया जाएगा, ये सब कुछ प्रोटोकॉल के जरिए ही तय होता है।